चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय एनसीसी ग्राउंड में योग प्रदर्शन का हुआ आयोजन। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित प्रशासनिक अधिकारी और छात्र छात्रा रहे मौजूद। भारत समेत विश्व के 150 से अधिक देशों में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लंबा स्वास्थ्य और आनंद से भरा जीवन जीने की 5000 साल पुरानी भारतीय पद्धति है योग। योग दिवस के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ रीवा के एनसीसी ग्राउंड में भी सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्रा, शासकीय कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे। नियमों का पालन और अनुशासित जीवन ही योग है। इसके बिना योग प्राणायाम का लाभ किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जैसा कि अधिक खाना, कम खाना, ज़्यादा या कम सोने को अनुशासित जीवन शैली नहीं कहा जा सकता, इस तरह से जीने वाले व्यक्ति को योग प्राणायाम का लाभ नहीं मिलता। इन्हीं सब बातों से लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से योग दिवस के मौके पर योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हाथों को झंगाओं के पास लाइए और खुद्दी को जमीन से लगाए, श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को उठाए, शलभासन की अंतिम स्थिति, पैर को मोड़े, बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए, अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए, श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाई तरफ मोड़े, शरीर को सीधा करें, सिर और मेरुदंड को, यह भद्रासन की अंतिम स्थिति है। भद्रासन पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। और कमर सीधा कर लीजिए, इसे दंडासन की स्थिति करते हैं। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में बहुत सहायक है। इट इज वेरी यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस।